कार्रवाई हेतु गश्ती की टीम गई हुई है। इसमें पुष्ट सूचना मिलते ही पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इसमें हम लोग छापेमारी भी प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में अक्सर वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी की बातें सामने आती रहती है। अब अगर ऐसे में ताज़ा मामला की बात करें तो राजधानी पटना के फतुहा में बीती रात दो युवकों को गोली मार दी गई है, जिसके बाद उन दोनों युवकों को इलाज के लिए फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उन्हें प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद पटना के PMCH में उन दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि फतुहा थाना क्षेत्र के गौरीपुंदा गांव में राकेश और रोशन नाम दो युवक पास के किसी गांव में गए थे और उसी दरमियान उन दोनों युवकों को गोली मार दी गई है, जिसके बाद वो घायल अवस्था में वहीं गिर पड़े और उसके बाद उनके परिजन जो हैं फतुहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन दोनों युवकों को इलाज के लिए ले गए, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया और फिर उन्हें पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि उन दोनों युवकों को गोली, एक युवक को सीने में मारी गई है तो दूसरी युवक को गोली गर्दन में मारी गई है, जिसके बाद युवक घायल अवस्था में वहीं गिर गया और उसके बाद उन दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस सक्रिय हुई और मामले की छानबीन में लग गई है कि घटना आखिर किन कारणों और किन वजह से अंजाम दिया गया और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस घटना, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं फतुहा DSP सियाराम यादव, हम छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के। मामला क्यों चली है गोली? ऐसी सूचना मिल रही है कि गौरीपुंदा गांव में दो व्यक्तियों को गोली लगी है। इस सूचना की सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती की टीम गई हुई है। इसमें पुष्ट सूचना मिलते ही पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इसमें हम लोग छापेमारी भी प्रारंभ करेंगे। सर, गोली दो लोगों को लगी है? लगने की सूचना मिल रही है, इसका सत्यापन अभी नहीं हुआ है। मोबाइल लेने लाए भाई, वाह।